हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद सना। तो चलिए आज बनाते हैं रमज़ान स्पेशल एंड समर स्पेशल सिंपल एंड इंस्टेंट वाली रूह अफ़ज़ा ड्रिंक। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सब्ज़ा सीड्स को भिगा लेना है। 1 से 2 चम्मच डालकर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और 10 मिनट तक इसे रेस्ट के लिए रख देना है। 1 कप लेंगे शुगर। मैं यहाँ पर 2 गिलास रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बना रही हूँ। आप अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इसे अच्छे से पानी में मेल्ट कर लेना है और इसमें डालेंगे रूह अफ़ज़ा सिरप। तो जब हमने शुगर मेल्ट की ना, उसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी डालकर ही मेल्ट किया था, क्योंकि अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो शुगर जल्दी से मेल्ट नहीं होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो अब हमने डाला है इसमें ठंडा पानी, क्योंकि आप कोई भी शरबत बनाएंगे तो इसमें ठंडा पानी यूज़ कीजिएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे गिलास में सर्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा सिरप, क्योंकि रूह अफ़ज़ा ड्रिंक का कलर जितना अच्छा होगा पीने में भी उतना ही टेस्टी बनेगा। और यहाँ पर हमने थोड़े से चॉप किए हुए वाटरमेलन को डाला है इसमें, क्योंकि वाटरमेलन डालने से इसमें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और आइस क्यूब्स डाल दिया, जो हमने सब्ज़ा सीड्स भीगने के लिए रख दिए थे वो डालेंगे 1 छोटा चम्मच। और एंड में डालेंगे इसमें जो हमने रूह अफ़ज़ा ड्रिंक बना ली थी, और इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सिर्फ 2 से 3 मिनट में बनकर रेडी हो गया हमारे यहाँ पर बहुत ही टेस्टी वाला ठंडा ठंडा कूल कूल रूह अफ़ज़ा ड्रिंक। तो आप लोग भी इसे रमज़ान में इफ्तार के टाइम बनाकर पी सकते हो, या फिर समर तो चल ही रहा है, इसे रोज़ भी बनाकर पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताना, और चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।